हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑयल पेस्टल को कैसे ब्लेंड करते हैं और कौन कौन से ऐसे टेक्निक है जिससे हम बहुत इजीली आउटपुट लेके आ सकते हैं, और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो जनरली सभी आर्टिस्ट जो है करते हैं ब्लेंड करने के लिए। तो आज कुछ ऐसे टेक्निक बताऊँगा मैं आपको, और ऐसे बहुत सारे क्यूरीज आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वो है अनुपम का 200 GSM वाटर कलर पेपर, और ऑयल पेस्टल मैंने यूज़ किया डोम्स का। तो जनरली मैं डोम्स का ही यूज़ करता हूँ, तो फिर बहुत सारे लोग हमेशा ही पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल पेस्टल यूज़ करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से गलतियाँ जो हैं वो जनरली सभी रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊँगा कि कुछ ब्लेंड करके, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम कलर जो है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कोई भी एक रैंडम कलर मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी मैं इसको अगर मैं कुछ ब्लेंड करता हूं मैं ऐसे, तो एक सिंपल सा मैंने यहां पे दो कलर लिए। और इसको मैंने ब्लेंड किया यहां पे, तो यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो कि ब्लेंड तो हुआ है, हल्की सी लाइन भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसी भी कलर का प्रॉपरली नहीं दिख रहा यहाँ पे। और ये जो एक रीज़न हो गया, और जो सेकंड रीज़न है वो है ये जो जनरली मुझे दिखता है सभी के आर्टवर्क में, जैसे स्काई हुआ या फिर आप कुछ भी, अगर जैसे मैं आपको तीन रेंडम कलर लेके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे किस तरीके से आप ब्लेंड करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जब भी हम ब्लेंड करते हैं तो ये चीज़ें विजिबल होने लगती हैं, जैसे कि तीन कलर जैसे आपको दिख रही है, तो तीनों का जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन ब्लेंड कहीं से नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है मैंने देखा है बहुत लोगों का, जो कि इंस्टाग्राम पे भी अपने वर्क शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा मैं कि कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हम जनरली हम स्काई बनाते हैं, या फिर आप जैसे इवनिंग का अगर आप टोन बनाते हैं तो कहाँ पे वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन कलर लेके बनाऊँगा मैं आपको, और जो सबसे पहला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कलर लिया, यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे हो कि कम्प्लीटली फिल कर दिया यहाँ पे, एक जो है जो पहला जो कलर है वो कम्प्लीट फिल कर दिया, और एक्स्ट्रा जो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही ऑयल पेस्टल यहाँ पे यूज़ कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे भी ज़्यादा ही कलर फिल किया, और फिर इसको येलो से, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी। और सबसे पहले मैं टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो टेक्निक ये है कि कोई भी कलर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप डार्क से स्टार्ट करोगे तो ये जो है डोमिनेट करेगा और यहाँ पे जो है ब्राइट वैल्यू बहुत कम बचेगी। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पे चीज़ें कहाँ क्या प्रॉब्लम आने लगती है, यहाँ पे जैसे पार्टिकल्स हैं जैसे टिश्यू पेपर के, वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आप देख रहे हो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है आना, और ये प्रॉपर आप देख रहे हो कि प्रॉपर नहीं आ पाता है। जैसे ये मुझे ब्लेंड करना है तो ब्लेंड करने के टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं वो निकलने लगते हैं, ऐसा बहुत लोगों का होता है, ये चीज़ें मैंने सुना है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस आपने ऑयल पेस्टल जो है वो यूज़ कर लिया, तो ये कुछ आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा।
तो ये कोई मतलब नहीं बनता इसको करने से। तो अब जब सेकंड में कर रहा हूँ वो है आपका एकदम लाइट, जनरली लोग करते हैं लाइट, जो सेकंड में बता रहा हूँ आपको। और ये थर्ड कलर, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे भी हम ब्राइट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा आप देख रहे हो कि ग्रेन्स जो हैं पेपर के वो दिखने लगते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक्चुअली ग्रेन्स हैं। और वाटर कलर पेपर में जो बेनिफिट ये होता है कि वो कलर को होल्ड करके रखता है, कलर की इंटेंसिटी बराबर रहती है। तो यहाँ पे भी आपको, जैसे अगर आप ब्लेंड करते हो तो ये कुछ चीज़ें कैरी नहीं हो पाती हैं, या फिर उसका ब्राइटनेस वैल्यू जो है वो अच्छे से नहीं दिख पाता है। तो यहाँ पे मैं जो थर्ड बताने वाला हूँ आपको, कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा कलर लेना है ना भी बहुत कम, तो कैसे लेंगे उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि बिल्कुल ही आप एक जेंटल तरीके से, आपको इतना लेना है कलर बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से। मैंने सिर्फ इतना लिया है, आपने देखा। और यहाँ पे इतना लेने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर लूँगा मैं आगे की तरफ, क्योंकि जो कलर है उसको ओवरलैप करना है मुझे। तो यहाँ पे भी जो कलर होगा मैं थोड़ा सा हल्का लूँगा मैं, और यहाँ से मैं कलर स्टार्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लेंड करना है मुझे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही ना तो कम है ना ज़्यादा है, ये कुछ ऐसे लिया ये मैंने यहाँ तक, और इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा फेड किया हल्का सा। फिर मैं यहाँ पे येलो, येलो को भी मैंने मीडियम कलर्स जो है वो लिए कुछ ऐसे, और इसको मैं ब्लेंड करूँगा वही नीचे की तरफ से। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कंप्लीट जो कलर है बहुत अच्छे से होगा। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ही राउंड जो शेप है सर्कुलर फॉर्म में आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे हो कि कलर जो है, कलर भी एकदम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं इसमें, और ब्लेंड भी आपको जो है बहुत अच्छे से इसमें दिखने लगेगा आपको। जैसे इवनिंग का जो, अगर आप कुछ सीनरी बना रहे हैं तो ये जो टेक्निक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गए तीन कलर मैंने मिक्स किया, अब इसको थोड़ा और ब्लेंड करना है आपको। तो यहाँ से जैसे डार्क कलर है, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो हैंड को और सॉफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर जो है वो ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए आगे की तरफ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद फिर ऑरेंज का जो कलर है वो हम नीचे की तरफ थोड़ा सा कैरी करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो तीनों में कि ये कैसे गया है, और ये और ये, इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर लिया है, यहाँ पे हमने बहुत कम कलर लिया है, और यहाँ पे मीडियम। मीन्स कि मुझे जनरली क्या लेना होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा फिल कर लिया है, इतना ज़्यादा फिल भी नहीं करना है, और यहाँ पे बिल्कुल लाइट भी नहीं रखना है, और यहाँ पे आपको इतना रखना है कि कलर जो है फिल हो जाए अच्छे से, और बहुत ज़्यादा एक्सेस छोड़े भी नहीं। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया, कि इसको आप यूज़ करके आप कहीं पे भी, जो भी आप सीनरी बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। और जनरली आप, हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो ब्लेंडिंग स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पेपर स्टैम्प, जैसे अभी आप देख रहे हो कि कई सारे पोर्ट्रेट में मैंने बनाया भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला था, और होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इस तरीके के जितने भी रिक्वेस्ट हैं आप प्लीज़ किया करें, जिससे कि मैं आपके जितने भी क्यूरीज है या फिर कन्फ्यूजन्स है वो दूर कर दिया करूँ। तो क्योंकि आगे आने वाले जितने वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं से भी आपको ट्रबल नहीं करेंगी, और चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।